पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विपक्षी खेमे के उड़े होश। उम्मीदवारों के चयन को लेकर शाह लगाएंगे मुहर। वर्ली से आदित्य ठाकरे को चुनौती देने के लिए पूनम महाजन के नाम पर लग सकती है मुहर। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में अभी डेट्स आ जाएंगे चुनावों के, और इसी बीच महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जो यहां पर हल्के झटके लगे महायुति को, तो उसको लेकर पूरे की पूरी केस हिस्ट्री तैयार की जा रही है, और ये केस हिस्ट्री है उम्मीदवारों के चयन को लेकर, और उसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फिर मुंबई पहुंच चुके हैं। मुंबई में डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, और सबसे बड़ी बात आपको बता दें आज होगा महाराष्ट्र में खेला। महाराष्ट्र में खेला इसलिए मैं कह रही हूं, आज बीजेपी महायुति गठबंधन एकनाथ शिंदे सभी मिलकर यह तय करेंगे कि उम्मीदवार इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में कैसे मैदान में उतारे कि उद्धव और नाना पटोले को इसके लिए बहुत दूर तक सोचना पड़े। अब देखिए ना, चर्चाएं ऐसी है, मैं आपको ये नहीं बता रही हूं कि ये पक्की बात है, लेकिन चर्चाएं ऐसी हैं कि उद्धव जी के बेटे आदित्य ठाकरे को पूनम महाजन चुनावी टक्कर दे सकती है। हालांकि कितना शत प्रतिशत ये बात सच है अभी नहीं बता सकते। और वहीं कहा जा रहा है कि मलाड से मंगल प्रभात लोढ़ा को असलम शेख के खिलाफ उतारा जा सकता है। तो वर्ली से पूनम महाजन, और बता दें आपको यहां पर बात करें असलम शेख के अगेंस्ट मंगल प्रभात लोढ़ा को, खैर ये अभी चुनावी चर्चा चल रही है, अभी इस पर मुहर नहीं लगी है। और इसी बीच उद्धव ग्रुप के नेता संजय राउत वापस मणिपुर पहुंच रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा दिक्कत महाराष्ट्र अगर जाते हैं अमित शाह तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है संजय राउत को। संजय राउत को इसी वजह से भी दिक्कत होती है क्योंकि संजय राउत लगातार इन बातों पर हमेशा रसाकसी करते हैं कि बीजेपी के पास कुछ नहीं है, अमित शाह देखिए महाराष्ट्र आ रहे हैं। और तो और कल एकनाथ शिंदे की सरकार ने गौ माता को राज्य माता घोषित किया, उस पर खलबली मच गई, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब क्या करें, तो कह रहे देखिए हिंदुओं को लुभाने के लिए अंतिम सिक्का और इक्का यहां पर महायुति गठबंधन सरकार छोड़ रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र में चर्चा तेज ये बात की है कि लोकसभा चुनाव के ठीक विपरीत विधानसभा का परिणाम आएगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा में देखिए जनता का मूड अलग होता है, विधानसभा में अलग होता है। बातचीत करें, लगातार उद्धव गैंग इस बात पर घिर रही है कि उद्धव ठाकरे के बीच में और महाविकास अघाड़ी के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है। आइए आपको एक बार अमित शाह के क्रमशः आज कार्यक्रम को दर्शकों बताते हैं। अमित शाह आज मुंबई, नवी मुंबई के दौरे पर हैं, जहां पर मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण मिशन कार्यक्रम 5 अक्टूबर को जो होने वाला है उसकी भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। तो देश के प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जो 5 अक्टूबर को होने वाला है मुंबई में, ठाणे जिले में। और बता दें आपको आज अमित शाह नवी मुंबई के दौरे पर हैं, कहा जा रहा है कि पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महायुति में एक बार फिर से जान फूकेंगे, ये बात तय करेंगे इस बार गठबंधन में कौन कौन से उम्मीदवारों के नामों पर हम मुहर लगाए ताकि इस बार हमें चुनावों में दिक्कतें ना हो। बता दें आपको महाराष्ट्र में बार बार अमित शाह का जाना, देखिए पूरा मिलाकर तीसरा दौरा ये है। आपने देखा गणेश चतुर्थी में भी अमित शाह गए हुए थे, अभी गणेश पंडाल में जा जाकर आशीर्वाद ले रहे थे, उसके बाद से ही महाराष्ट्र में हवा बदली और चुनावों के समीकरणों के बीच महायुति ने मुहर लगाई, ताल ठोका कि इस बार महाराष्ट्र में महायुति की सरकार फिर से बनेगी। हालांकि देखिए बहुत दिलचस्प मुकाबला है, इधर कांग्रेस उद्धव ठाकरे का भले साथ ना दे लेकिन कहा जा रहा है कि विपक्षी खेमा भी मजबूत है, लेकिन हिंदुत्व के कोर वोटर पर उद्धव ठाकरे जो घिरे हैं उससे उनको चपत लगेगी, उससे वह फायदा होगा महायुति को। एक बात आपको और बता दूं, सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को लेकर है, महिलाएं इस बार मूड बना चुकी हैं कि बीजेपी और महायुति को वोट देना है, इसलिए क्योंकि महिलाओं के खाते में भी लाड़की बहन योजना चली जा चुकी है, इसके किश्त शुरू कर दिए जा चुके हैं, उसके बाद ब्राह्मणों के लिए राजपूतों के लिए जो फंड जारी किए गए। तो देखिए एक एक के बाद नहले पर दहला महायुति गठबंधन दे तो रही है, इसी बीच महाराष्ट्र में जान फूकने के लिए अमित शाह हैं। आपको बता दें आज नवी मुंबई के सिडको ऑडिटोरियम में ठाणे और कोंकण डिवीजन के विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों के साथ अमित शाह बात करने वाले हैं। इसके बाद रात में सहाद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ महायुति के लिए सीटों के आवंटन को लेकर अमित शाह चर्चा करने वाले हैं। अमित शाह को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ मैं आपको बता दूं
पूरी जिम्मेदारी नितिन गडकरी के कंधे पर भी है और ये दोनों नेता मिलकर तय करेंगे महाराष्ट्र में हवा का रुख कैसे हम बदलें। आपको बता दें विधानसभा में जिस तरीके से अभी चुनाव होने वाले, जैसे यहाँ हरियाणा ले लीजिए, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, अब महाराष्ट्र ले लीजिए, सभी जगहों पर बीजेपी को ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में जो झटके लगे हैं, आपको बता दें इस बार साख बचाने के चुनाव में इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन सब राज्यों में बीजेपी को जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी को बड़े फैसले लेने हैं। केंद्र सरकार को मजबूत करने के लिए राज्य के विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और अगर एक भी विधानसभा चुनाव बीजेपी हार जाती है इससे बहुत बड़ा डेंट बीजेपी को पड़ेगा आने वाले समय में बड़े फैसले लेने में। लेकिन अभी जो माहौल बनाया जा रहा है, अभी जो माहौल बन रहा है, बड़ी बड़ी योजनाओं से महाराष्ट्र में मायावती की हवा यहां पर जनता के लिए बह रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में योजनाबद्ध तरीके से उद्धव ठाकरे का चेहरा पर्दाफाश हुआ और ये जनता ने किया। उद्धव ठाकरे भले कुछ कह ले, लाड़की बहन योजना पर कल झूठ फैलाया, इसके बाद आज अमित शाह गए तो संजय राउत बिलबिलाए। आपको चलिए सुनाते हैं कि संजय राउत, देखिए एक बार आप समझ लीजिए, गो माता है क्या राज्य माता है, आप राष्ट्र माता भी कर सकते हैं और विश्व माता भी कर सकते हैं। राजनीति के लिए आप जो कर रहे हैं उसमें ये हिंदुत्व नहीं है, ये बीजेपी की सरकार बार बार वीर सावरकर के विचारधारा की बात करती है। अगर आपने गाय को ये राज्य माता वगैरह वगैरह कहा है तो सबसे पहले ये वीर सावरकर जी का अपमान है। वीर सावरकर जी ने गाय के बारे में जो कहा है, लिखा है, वो एक बार देवेंद्र फडणवीस ने पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, लेकिन ये चिंतन करने की क्षमता उसमें नहीं है क्योंकि ये सब बैल है। बैल का मतलब समझते हैं, उनका बाप बैल है, ये सबका बाप बैल है, तो ये बैल बुद्धि के लोग हैं। देशाचे गृहमंत्री आहेत, मी मागे म्हणालो की देशाचे गृहमंत्री देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेचा विषय बाजूला ठेवून महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांमध्ये शाखा शाखांना त्यांच्या भेटी देत आहेत, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे। देशाच्या सुरक्षेविषयी गृहमंत्री किती गंभीर आहेत हे यातून दिसत आहे। खरं म्हणजे ते मणिपूरला जाऊन थांबायला पाहिजेत, काश्मीरमध्ये अतिरेकी हल्ले सुरू आहेत तिकडे थांबायला पाहिजेत, देशामध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत, लडाखमध्ये चीनचं सैन्य घुसलंय आतमध्ये, अरुणाचलला घुसलंय, तिकडे जाऊन त्यांनी पाहणी करायला हवी, पण महाराष्ट्रातील निवडणुका एक घटनाबाह्य सरकार या राज्यात त्यांनी जे बसवलं आहे त्याला संरक्षण देण्यासाठी अमित शहा इथे येत आहेत। अमित शहा किंवा मोदी महाराष्ट्रात आले की आम्हाला भीती वाटते, काहीतरी महाराष्ट्रातला एखादा उद्योग या राज्याबाहेर जाईल किंवा काहीतरी महत्त्वाचा भूखंड अडाणीच्या घशात जाईल, त्याची तयारी करायला हे लोक येतात का? कारण अमित शहा आज येत आहेत आणि काल 210 एकर जमीन मिठागरांची ही अडाणीला द्यायचा निर्णय झाला, त्या जमिनीचं मोजमाप करायला येत आहेत का? व्यवहार वगैरे पाहिला, आम्हाला भीती वाटते हे दोन प्रमुख भाजपचे नेते इथे आले की महाराष्ट्राच्या लुटी संदर्भात काहीतरी निर्णय होईल। देशाच्या गृहमंत्र्यांनी कोणतं काम केलं पाहिजे या संदर्भात संविधानामध्ये काही नियम आणि विषय आहेत, ते सगळे बाजूला ठेवून हे फक्त निवडणुका, भारतीय जनता पक्षाचा प्रचार, उद्योगपतींना मदत, लाडक्या आणि विरोधकांवर आपल्या हल्ले, हे गृहमंत्र्यांचं काम नाहीये। सरदार पटेलांचा इतिहास त्यांनी वाचावा, गृहमंत्री म्हणून त्यांनी काय काम केले किंवा इतर जे पुढले गृहमंत्री होते झालेले त्यांनी कोणत्या प्रकारचं काम केलं, व्यक्तिगत सुडाचं राजकारण करण्यासाठी गृहमंत्रालयाचा वापर या देशात या आधी कोणी केल्याचं मला दिसत नाही, पण अमित शहा नेमकं तेच करताय। नरेंद्र मोदींचा सुद्धा दौरा आहे या आठवड्यात, अमित शहा नंतर पुन्हा नरेंद्र, या महाराष्ट्राच्या निवडणुका होईपर्यंत बहुधा देशाची राजधानी ते महाराष्ट्रात हलवतील असं मला वाटतं। देशाची राजधानी दिल्ली जी आहे
त्याचे डॉक्टर ते इथे हलवतील, मोदी आणि शहाना सारखं सारखं इथे यावं लागतं आहे। त्याचा अर्थ आहे की लोकमत त्यांच्या विरुद्ध आहे, त्यांना त्यांचा पराभव स्पष्ट दिसतो आहे आणि त्यांची ती धडपड सुरू आहे की हातात काहीतरी राहावं पडावं। नरेंद्र मोदी किती वेळा आले आतापर्यंत? मेट्रोचं उद्घाटन पुण्यातलं त्यांनी 6 वेळा केलं एकाच मेट्रोचं। अमित शहा वॉर्डा वॉर्डामध्ये बैठका घेतात, गृहमंत्री, देशाचे गृहमंत्री। म्हणजे याचा अर्थ असा की राज्यातला भाजपा कुचकामी आहे, देवेंद्र फडणवीस पासून त्यांचे इतर सगळे जे नेते आहेत ते कुचकामी आहेत, त्याने जे लोक इथे बसवले सत्तेवर ते कुचकामी आहेत, लोक त्यांना फेकून देणार आहेत। कितने परेशान हो जाते हैं जब जब गृहमंत्री महाराष्ट्र आते हैं। तो आपने सुना, गाय को राज्य माता घोषित करने से लेकर सभी बातों पर संजय राउत को खासा दिक्कत हुई। फिर मणिपुर पहुंचे, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, महाराष्ट्र क्यों नहीं, क्यों आ रहे गृहमंत्री? गृहमंत्री हैं, देश के गृहमंत्री हैं। महायुति में रोड़ा अटकाने के लिए संजय राउत ने लगातार वहां पर दाव चले, लेकिन सब फेल हो गए हैं। और यही वजह है कि बार बार उद्धव ठाकरे को झटका लग रहा है। एक बात मैं आपको और बताती चलूं, शरद पवार खुद अभी नाराज चल रहे हैं उद्धव ठाकरे से, इनके सीएम फेस को लेकर कोई तैयारी नहीं है। और इधर महाराष्ट्र में जनता लगातार सर्वे में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, ये दोनों के नामों पर मुहर लगा रही है। तो देखिए, महाराष्ट्र में रण तैयार हो गया है। और जो मैंने आपको दो नाम बताए, अब आज उम्मीदवार कौन कौन से होंगे, अब बीजेपी की लिस्ट में ये जारी हो जाएगा, आपको उस पर भी हम अपडेट देंगे। लेकिन आपकी जो भी राय हो इस बाबत जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।